गाइज आज हम बात करेंगे अम्बिलिकल पेमिया के बारे में, यानी कि नाभि के पक जाने के बारे में। यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ लोग उसको टूंड भी बोलते हैं कि उनका टूंड पक गया है ना, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि जो बच्चों का टूंड या नाभि होती है वो क्यों पक जाती है, अगर ये पक जाती है तो इसका क्या ट्रीटमेंट या इलाज दिया जाता है, ये बच्चों में क्यों देखने को मिलता है, ये प्रॉब्लम होती क्यों है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बच्चों में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर अगर शुरुआती लक्षण इसके दिखेंगे तो क्या आपको देखेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि भाई बच्चे की नाभि पकने वाली है तो उसकी क्या आपको देखभाल करनी रहेगी, अगर पक जाती है फिर इसका ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, तो पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना है। मैं हूँ आरिफ खान, आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे नाभि के पक जाने के बारे में, यानी कि कुछ लोग इसको टूंडी भी बोलते हैं, टूंड पक जाने के बारे में। तो इसको हम समझ लेते हैं छोटा सा कि भाई होता क्या है, नाभि पकती क्यों है, इसके कोजिस को हम समझेंगे। तो गाइज कोज की अगर हम बात करें तो जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, जब ये पैदा होते हैं तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, जब ये पैदा होते हैं इनको जिसको आम भाषा में मैं समझाऊंगा, जिसको नाल बोलते हैं, जिसको जो टूंड होता है वो जो नाल होता है, जब उसको काटा जाता है किसी ब्लेड से, जब वो ब्लेड से काटा जाता है, अगर वो ब्लेड जो है स्टेलाइज नहीं होता है, कर दिया जाता है, तो वहां पर बैक्टीरिया पनप जाते हैं, यानी कि ब्लड पे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पे हो जाता है, जो बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इन बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, ये बैक्टीरिया वहां पे जो है पनप जाते हैं, और कई बार इतने पनप जाते हैं कि वहां पे पस भी पड़ जाता है, मतलब जो नाभि होती है वहां पे पस पड़ जाता है, पस रिसने लगता है, निकलने लगता है, ठीक है। और कोस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर जो टूंड होती है, नाल होती है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, जैसे कि स्टार्टिंग फेज में होता क्या है, वहाँ पे जो ब्लड थोड़ा सा जम जाता है और उस पर साफ सफाई नहीं का ध्यान दिया जाता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया पनप जाते हैं और ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये कुछ इसके होते हैं जी। अब बात करेंगे हम लक्षण के बारे में, सिम्टम के बारे में। तो जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनके जब ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में देखने को मिलती है, तो जो टूंड होता है वहाँ पे हल्की सूजन आने लगती है, वहाँ पे सूज जाता है, इन्फ्लामेशन दिखाई देने को मिलेगी आपको, या फिर वहाँ पे हल्का रेडनेस दिखाई देगी, मतलब लालीपन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कई बार जो टूंडी होती है, जो नाभि होती है, वो गीली गीली रहने लगती है, गीलापन वहाँ पे होता है। कई बार वहाँ से जो पस निकलता है वो येलो कलर का आपको देखने को मिलेगा और पानी जैसा चिपचिपा हो सकता है, तो ये इसके लक्षण होते हैं। कई बार उस पानी से, उस चिपचिपे पानी से बदबू आने लगती है, तो आपको समझ जाना है कि जो टूंड है वो पक रहा है, वहां पे मवाद पड़ चुकी है, पस पड़ चुका है। तो ये होते हैं इसके लक्षण। और पे टेटनस या सेप्टोसिमी होने के चांसेस रहते हैं। टेटनस अगर वहां पे हो जाता है, टेटनस होने के चांसेस हो जाते हैं वहां पे, तो बच्चा जो है दूध पीना भी छोड़ देता है। जब दूध पीना छोड़ देता है तो वीकनेस आती है बॉडी में, कई बार जो है बच्चे एक्सपायर भी हो जाते हैं, डेथ भी उनकी हो जाती है वहाँ पे, तो इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी होता है। और कई बार जब ये लक्षण की अगर बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे होता क्या है, मिर्गी के दौरे भी आने लगते हैं, मिर्गी जो है दौरे जो होते हैं वो पड़ने लगते हैं, बेहोश होने लगते हैं बच्चे, तो इस टाइप के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। ओके, बात करेंगे इसके हम ट्रीटमेंट के बारे में कि भाई जब ये प्रॉब्लम हो जाती है, सब अगर टूंड पकने लगता है तब क्या करना चाहिए, इसमें क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं। तो GV 100 ml में जो ड्रॉप आती है वो बच्चे को देना रहता है। यहाँ पे मैं बच्चों की डोज नहीं बताऊंगा क्योंकि बच्चा वहाँ पे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल का भी हो सकता है, तो एग्जैक्टली डोज नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग समझते नहीं पूरी बात, और जो डोज में बताऊंगा वो दे देंगे। तो यहाँ डोज की बात नहीं, सिर्फ मेडिसिन में आपको बताऊंगा। GV 100 ml में जो सस्पेंशन आता है, ड्रॉप आता है, तो उसको बच्चों में बीडी देना रहता है, ठीक है। आयु जैसे प्लस जो वहाँ पे सिरप आती है छोटी, तो उसको भी बच्चों में सुबह और शाम ये तीनों टाइम देना रहता है, क्योंकि जब ये इन्फेक्शन होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार भी आने लगता है। तो आयु जैसे क्या करती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन को भी कम करती है, दर्द को भी कम करती है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी कम करने का काम करती है। ओके, और यहाँ पे जो ओमना कार्टिल आती है इसकी ड्रॉप, तो ओमनाकार्टिल को भी आप यहाँ पे देना रहता है, वो डोज डिसाइड करनी रहेगी आपको, सुबह और शाम देना रहता है, ठीक है। तो ये सब जो ओमनाकार्टिल होती है ये सूजन को कम करने का काम करती है। और गाइस जो ड्रॉप आती है A to Z या कोई भी मल्टी विटामिन, तो A to Z को आप एक टाइम बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे दूध पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि खाना वगैरह ये तो खाते नहीं है बच्चे, दूध ही पीते हैं, वो भी पीना छोड़ देते हैं, तो उनमें कमजोरी आ जाती है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं ताकत लाने का काम करेगा, जो न्यूट्रिशन प्रोटीन विटामिन की कमी है देने का पूरा काम करता है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे जो टूंड होता है, अगर वहाँ पे गीलापन है, चिपचिपा पानी निकल रहा है, तो उसको क्लीन
करने के लिए आप जो है सेवलोन या डिटोल का यूज कर सकते हैं। सेवलोन डिटोल से वहाँ पे साफ करना रहता है, और वहाँ पे जो है आप बिटाडीन यूज करते हैं जो सोफ्रामाइसिन क्रीम आती है, तो सोफ्रामाइसिन क्रीम को भी वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। बच्चे के जो वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है उसको, या न्यूमासिन पाउडर आता है तो उसको भी वहाँ पे आप जो है डाल सकते हैं। तो इन सबसे जो है जो उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो खत्म हो जाएगा और वहाँ पे ठीक हो जाएगा। बाकी डिपेंड करता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया जाता है। फीवर है वहाँ पे तो फीवर के हिसाब से जो पैरासीटामोल वगैरह डोज को डिसाइड करना रहता है। तो ये पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता है, ये दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर बच्चे को दूध पीना छोड़ रहा है वहाँ से, इस टाइप की जैसे मैंने सिम्टम बताया इस टाइप का दिख रहा है, तो आपको अपने नियर बाय डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोई भी घर पे अपना ट्रीटमेंट खुद से डॉक्टर ना बने, ट्रीटमेंट ना दे, ये हमारी जो वीडियो प्रैक्टिशनर मेडिकल स्टूडेंट सभी देखते हैं उन लोगों के लिए होती है। हेल्पफुल वीडियो होती हैं, एजुकेशनल वीडियो ये होती हैं, ट्रीटमेंट घर पर करने के लिए नहीं होती है। तो गाइज जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।